नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। इस समय की सबसे बड़ी और ताजा खबरें बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर, जहां बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने हैं, वहीं सरकार अब तक मौन धारण किए हुए है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना से इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार सरकार शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के मूड में है। कोरोना संकट में नियोजित शिक्षकों के 20 से 25% वेतन वृद्धि का संशय। कोरोना संकट के कारण नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 से 25% की बढ़ोतरी की संभावना पर संशय की स्थिति बन गई है। इस चुनावी साल राज्य के 3,97,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होनी है। शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 से 25% बढ़ोतरी की तैयारी चल रही थी, लेकिन कोरोना के कारण चौतरफा आर्थिक संकट के कारण अब माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में 10 से 15% ही बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बताते चले कि इसको लेकर दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर भी प्रकाशित किया गया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक पहले जो तैयारी थी उसकी तुलना में वेतन में कम बढ़ोतरी होगी। हालांकि आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर अनुमानित बेहतर बढ़ोतरी हो सकती है। अभी राज्य में प्राथमिक से लेकर नियोजित शिक्षकों को मात्र 7वां वेतन मिलने के बाद 25 से 32 हजार रुपये प्रतिमा मिलते हैं। 15% की बढ़ोतरी होने पर 29 से 37 हजार रुपये प्रतिमा मिलेंगे। आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षक पुराने शिक्षकों के समान काम, समान वेतन, समान सेवा शर्त लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 17 और 25 फरवरी से हड़ताल पर हैं। विधानमंडल के बीते बजट सत्र में सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही थी। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने नियोजित शिक्षकों को भरोसा भी दिया था कि सेवा शर्त जल्द लागू की जाएगी। माना जा रहा है कि समान होने पर जून जुलाई तक वेतन बढ़ोतरी व सेवा शर्तें लागू करने की सरकार घोषणा कर दे। एक आंकड़ा भी बताते चले कि पिछले 10 से 11 वर्षों में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 6 से 7 गुना की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2006 से 2007 में राज्य में शिक्षकों का नियोजन पंचायत व नगर निगम सहित विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से शुरू किया गया था। प्रारंभिक अप्रशिक्षित शिक्षक को 4,000 रुपये, प्रशिक्षित को 4,500 रुपये प्रतिमा दिए गए। हाई स्कूल में 6,000 व 6,500 रुपये दिए गए। फिर कभी 1,000 तो कभी 3,000 रुपये वेतन वृद्धि हुई। नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से नया वेतनमान लागू किया गया, 5,200 से 20,200 रुपये का वेतनमान दिया गया। साथ ही नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को सरकारी कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा आवास किराया भत्ता का भी प्रावधान किया गया। वर्ष 2019 से 7वें वेतनमान का भी लाभ दिया गया। इधर यह भी बताते चले कि नियोजित शिक्षकों के हड़ताल को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई खास वार्ता का प्लानिंग नहीं है। इधर यह भी आपको जानकारी हो कि सरकार के द्वारा वार्ता का अब तक कोई प्लान नहीं है। सरकार कोई नहीं चाहती है कि शिक्षकों के साथ वार्ता हो, लेकिन आगे की स्थिति क्या बनती है यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोई वार्ता की कोई संभावना दिखती नजर नहीं आ रही है। खबरों में आप बने रहें, जैसे ही किसी प्रकार की कोई खास खबर आती है या वार्ता संबंधित आती है तो आपको सबसे पहले सबसे आगे बताने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।